ব্লকে ব্লকের জন্য হচ্ছে এটা মা দেখিয়ে সত্যানাশ সো হাই গাইস ওয়েলকাম ব্যাক সো মে আবি রেডি হো রহি হু জেসা কি আপ লোগ দেখ রহে হো মানে স্টার্ট কর দিয়া হ্যায় মেকআপ এন্ড ফিল্টার বাই বাই तो मैंने मेरी मेहंदी नहीं दिखाई आप लोग। ये मेहंदी सेल्फ मेड है, मैंने खुद बनाई है मेहंदी। मैंने सॉरी मतलब मैंने खुद मेहंदी लगाई है। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है। एक्चुअली मैं रेडी होने चलती हूँ, फिर मिलेंगे रेडी होने के बाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हो रेडी और हम अभी रिक्शा स्टैंड जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच गए और जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सजाया है। और ये रहे दुल्हन और दूल्हे का नाम मधुरिमा बिट्स दीपांकर और जान और भाई अभी बाहर है, अभी हम लोग का एंटर होने वाले। और एंट्रेंस में देखिए कितनी मस्त डेकोरेशन की गई है और ये लाइटिंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है प्यारा सा मंडप जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये बंगाली बेडिंग है और बंगाली बेडिंग में इस तरह से सजाया जाता है मंडप। और यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं और भाई यहाँ पे है, जान यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, वो खो गए हैं, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं आगे जाके। और आगे जाके हमने ये देखा स्नैक्स, अभी यहाँ पे मेरा फेवरेट स्नैक्स मिल रहा है, रेशमी कबाब और पनीर पकौड़ा है और जलेबी है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो सर्व कर रहे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो प्रिकॉशंस रखे हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी है, मैंने कॉफ़ी और रेशमी कबाब खा लिया है जैसे कि आपने देखा। और ये है सुंदर सा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है ये। दुल्हन जहाँ पे बैठी है उसके पीछे बैकग्राउंड में ये डेकोरेट किया गया है लाइटिंग्स के साथ। और ये रही हमारी प्यारी दुल्हन जो दी से बात कर रही है। दुल्हन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे अभी दुल्हन की एंट्री होने वाली है मंडप पे, तो इसीलिए सब वहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कैमरा मैन फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, जान वहाँ पे है, भाई है, वो ऊपर से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक वीडियो ले पाए। और ये अभी दुल्हन आ रही है मंडप की तरफ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है वो। और यहाँ पे हमें बंगाली वेडिंग में इस तरह से पान से मुंह ढक के आना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सब मोमेंट है ये, वो न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो नीचे शादी हो रही है और हम आ गए हैं ऊपर, नीचे शादी हो रही है और ऊपर खाने का रखा है प्रोग्राम। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सब प्लेट्स दिख गए हैं और ये है मेनू, मेनू बंगालीज में लिखा हुआ है तो इसे मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी। लेकिन उसके पास है एक क्यूटी पाई, बहुत ही क्यूट एक ब्यूटी है ये, बोरो माँ है और दी है। यहाँ पे भी बैठने वाले हैं तो सब क्लीनिंग चल रहा है। और उस साइड भी दिखाई दे रहा होगा आपको एक मस्त सा डेकोरेशन, ये वाला, ये है पान सेंटर, मतलब यहाँ पे पान रखे गए हैं
और इस तरफ है बुफेट, अगर आपको खुद लेके खाना है तो आप वहाँ पे खा सकते हो, अगर आपको चेयर टेबल में बैठ के खाना है तो आप चेयर टेबल में बैठ के खा सकते हो। और ये है मैं और जान, हम और वो है बड़ो जेठू। तो खाना सब कंप्लीट हो गया, बहुत ही यम्मी खाना था और ये डेकोरेशन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए पान के वहाँ पे, और यहाँ पे हाथ मुँह धोने वाला सीन है। अभी जान पान ले रहे हैं, टिश्यू पेपर लेने गए थे वो मम्मी के लिए पान ले रहे हैं, क्योंकि पान मुझे पसंद नहीं है, जान को भी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है, इसलिए हम उनके लिए पान ले रहे हैं। और हम नीचे आके क्या देखते हैं कि माला बदल हो गया है। उप्स, माला बदल का वीडियो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, चले वो देखते पहले। तो ये है वो माला बदल वाला सीन। माला बदल वाला सीन हो गया, गले में माला डल चुकी है, अब होने वाला है सिंदूर दान। तो इसीलिए अभी दूल्हा दुल्हन वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा ब्रेक लिया है उन्होंने। ये मंडप है, मंडप देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, और ये रियल फ्लावर्स है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अभी 7 फेरे होने वाले, तो पंडित जी उसकी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और वहाँ पे कैमरामैन ऑल सेट फॉर द फोटोज एंड वीडियोस, और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, जान भी वेट कर रहे हैं, और जान काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको पहचानते हैं वो, और वो रहे दुल्हा दुल्हन, लोग उनका भी फ़ोटोशूट चल रहा है अभी। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों, एकदम मेड फॉर ईच अदर, और बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है। बहुत मज़ा आया दोनों की शादी में, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी सिंदूरदान और 7 फेरे के लिए बैठ गए हैं दूल्हा दुल्हन। तो अभी सिंदूरदान होने वाला है और 7 फेरे भी होने वाले हैं, लेकिन मैं वो शायद तक आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि हम जा चुके होंगे। अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, सब रिचुअल्स फॉलो हो रहा है, अभी सब मंत्र वो सब चलेगा। तो ओवरऑल शादी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया शादी में, और अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि गुड़िया घर पे है और वो बहुत छोटी है ना, तो फिर ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाए, उसकी वजह से मैं पूरा कवर नहीं कर पाई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं निकल चुकी हूँ, जा रहे हैं, उससे पहले हम एक फ़ोटोशूट कर ली यहाँ पे क्योंकि गेट बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल बना है। কেমন লাগলো বিয়ে বাড়ি তোমাদের? সাংঘাতিক বিয়ে বাড়ি। এটা হচ্ছে বনু, তোমরা সবাই জানো না, এটা হচ্ছে বনু। আমরা সবাই গেছিলাম বিয়ে বাড়ি, এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমরা। আগে আমাদের অর্ধেক ফ্যামিলি মেম্বার্স হাঁটছে আর আমরা পেছন পেছন হাঁটছি। এখন আমার ফেস অন্ধকার অন্ধকার আসছে, তাহলে আই হোপ কি তোমাদেরকে আমাদের ব্লগ ভালো লাগলো, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবে। ফেসটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক আসছে পুরো, আগে থেকে গিয়ে একটুখানি লাইটটা আসলে তারপরে আমরা আবার এসে গেলাম। সো আমি বলছিলাম লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কর লেনা, আর বহুত সারা প্যার দেনা, এসেই হাম মিলতে রয়েঙ্গে দুবারা এক নই নই ভিডিও কে সাথ। বাই বাই, জান বাই বাই বলো, বনু বাই বাই বলো, টাটা।